तभी मैं बताने वाला हूँ कि हमारे साथ एलईडी के मतलब एलईडी के मामले में क्या पोपट हुआ है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो इस सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं उठा हूँ थोड़ी देर पहले, मतलब 5-10 मिनट हो रहे उठे। और भाई बहुत ठंड पड़ रखी बाहर, 10 बज चुके हैं और कोहरा बहुत हाई लेवल है। सुबह बज चुके हैं 11:30 और अभी भी कोहरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोहरा निकलने लगा हल्का हल्का, लेकिन कोहरा इतना है कि बाहर अभी जा नहीं सकते हैं। यहाँ पे दिखने लगा, लेकिन इस एरिया में देखिए कोहरा, जो दूरी है, जो दूर दूर के एरिया हैं उधर कोहरा भी नहीं कम पड़े हैं। तो मतलब ये बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बाहर निकलते हैं हाथ वगैरह में बहुत ठंडी लगती है। सुबह बज चुके हैं 1 और जा रहा हूँ खाना खाने, एंड खाने में बना है वही सर्दी वाले खाने, चावल एंड मटर फ्राइड, तो बढ़िया मस्त खाने जा रहा हूँ। हे गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है 1:50, लगभग 2 बज गए हैं और अभी हम लोग विद फैमिली जा रहे हैं एलईडी लाने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी। हे गाइस, तो ओनिडा की जा रहे हैं एंड्रॉयड टीवी लेने, मतलब एलईडी जो होती है, और दो दो देंगे, एक तो यहाँ के लिए और एक डीके के यहाँ से। तो मतलब डीके के यहाँ तो अभी चल के सरप्राइज भी देंगे मस्त, और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, फुल रिव्यू वीडियो बनाएंगे, और बस अब एलईडी के ऊपर 3-4 कंटेंट आने वाले मेरे। यहाँ पे छैया तैयार हो रहे हैं, हैं तो अभी फाइनली निकलते हैं यहाँ से। All set. Here we go. Just excited हो? कितना? बहुत। तो गाइस फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं स्मार्ट यानी कि एंड्रॉयड एलईडी टीवी लेने, और फर्स्ट टाइम ही है तो इसीलिए एक्साइटेड है थोड़ा सा। तो अभी लगभग 4 मिनट और बचे हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो अभी बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो गाइस हमारा हो गया पोपट, जिस शोरूम से हमने लेने जाना था ना एलईडी, वहाँ नहीं ले जाएंगे क्योंकि अंकल जी ना एक हैं हमारे, वो अपने घर पे ले आए, तो उनके घर पहुँच गए हैं और वहाँ से हम एलईडी उठाएंगे अपनी और फिर चलेंगे घर। आ गई हमारी चाय, हमने लिया है ब्रेक यहाँ पे ठीक घर पे, और हमारा पूरी तरीके से हो चुका है पोपट आज एलईडी टीवी को लेकर। पूरी कहानी मैं बताऊँगा घर पहुँच के। इसमें मेरी चाय, लेकिन चाय लेने से पहले एक काम करना है। ओके 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 एंड थैंक यू। और गाइस फाइनली मैं चाय पीने जा रहा हूँ। कुछ अलग अलग शौक होते हैं सबके, और मेरे शौक कुछ ये हैं। ये गाइस तो फाइनली यहाँ से हो रहे हैं वापस, और हमारे साथ चल रही हैं लाली और काजल, डी यश और दादा भाभी तो हैं, इसीलिए मिलते हैं आपको सीधा घर पे। 3 एंड I am 4 किसको उधर। ओ तो गाइस फाइनली बैठ चुका हूँ, तो फाइनली घर पहुंच गए, लेकिन अभी एक और काम हो गया हमारे साथ, एक और बड़ा पोपट हो गया। अभी दोबारा से मुझे डीके के घर जाना पड़ेगा एक काम से। ये हमारे साथ तुरंत वापस चलने वाली थे, आई थी रुकने के बहाने, लेकिन अब इनको वापस चलना पड़ेगा। हैं चलें पक्का कि रुकना है? चलें ओके। तो वैसे अभी चल रहे हैं इनके साथ वापस, लेकिन पहले स्कूटी की चाबी लेनी पड़ेगी। हे गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 7:30, एंड हाँ यहाँ पे चल रहा है भाई 4 जनों में लूडो का कॉम्पिटिशन। यहाँ महा मुकाबला हो रहा है काजल, दद्दा, भाभी और यश के बीच में, देखते हैं कौन होता है यहाँ पे विनर। और भाई सब बहुत ठंडी पड़ रही है यहाँ पे। फाइनली विनर हो गए हैं, फर्स्ट आ चुके हैं दद्दा जी। ये देखिए यहाँ पे लग चुका है फर्स्ट का टैग, इनके सिर पे ताज आ गया है, और अभी कॉम्पिटिशन 3 लोग में है मुकाबला। भाई साहब यहाँ से कट गई गिट्टी भाभी की। एक गिट्टी बची भाभी की और कट जा रही बार बार। काजल रो रही हैं, लिटरली काजल रो रही हैं, इनकी गिट्टी बार बार कट गई है। भाई साहब इधर देखो, ये झुंड आप देख सकते हैं कैसा झुंड बन चुका है, भाई सबका ध्यान लूडो की तरफ है। ओ माय गॉड, फाइनली विनर है ना, सेकंड विनर, भाभी आ गई सेकंड। और भाई अब इन दोनों में बचा है भाई मैच, जो जीतेगा दो में से एक ही जीतेंगे, देखते हैं कौन जीता। काजल अभी से रो रही है या यश अभी से खुश है, वो देखना होगा भाई कौन जीतेगा। क्यों भाई साहब आंसू आंखों में आंसू, भाई साहब ये थर्ड आ गए। एक बार मुझसे भी हारने के बाद काल रो रही थी। तभी मैं बताने वाला हूँ कि हमारे साथ एलईडी के मतलब एलईडी के मामले में क्या पोपट हुआ है। ठीक है, तो पोपट जो हुआ वो मैं बता दे रहा हूँ। हमारी जो प्री बुकिंग एलईडी थी, मतलब पहले से हमने बुक कर रखा था, तो एलईडी किसी और को डिलीवर्ड हो चुकी है, तो यही वो हम लोग के साथ थोड़ा कह सकती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। तो हाँ इसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो यही हुआ है पोपट हमारे साथ। इस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया है, तो इसीलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो मिलता है कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।